एवरीवन, दिस इज वंदना, वेलकम टू माय चैनल मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पर्टर्बेशन स्टार्ट करवा दिया था। पर्टर्बेशन में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन सारा कंप्लीट पढ़ा दिया था। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए थे और हमने सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसको एक बार जाके चेक कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन सारा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। इसमें भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरे इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर एनर्जी रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो देखो, फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा ई एन टू इज इक्वल टू समीशन एन नॉट इक्वल टू एम, और यहाँ पे हम लिखेंगे साई एम नॉट डेल्टा एच साई एन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो इसमें हमने मैंने टर्म्स लिखी हैं, एन एम क्या होता है, ये जो समीशन है वो क्या है, डेल्टा ई एन टू क्या है, वो सारा हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है हमारा सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। तो जो टू है हमारा वो क्या है, सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो इसलिए उसको क्या लिखना है, इसको लिखना है ऊपर, ये क्या है सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। और जो एन है ये क्या है हमारा nth ऑर्डर, ये क्या है हमारा nth ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो जिसके लिए भी हम निकाल रहे हैं, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये किसके लिए है हमारा nth ऑर्डर एनर्जी करेक्शन के लिए। ठीक है, जहां भी आप ये टॉपिक लिख रहे हो तो प्लीज इसमें ये जो भी वैल्यूज है जो मैं इस हिसाब से लिखवा रही हूँ, एन क्या है एम क्या है, तो लिख लेना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा है एन और एम इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सपोज करो मैं इसको इक्वल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सपोज इसकी टू है और इसकी भी टू है, तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो। अगर ये वैल्यू जीरो होगी तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये जो टर्म है हमारी इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी बन रही है वो नीचे क्या बन रही है, जीरो। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, नॉट एन जो है वो एन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। और समीशन का मतलब क्या है, हमारी जो भी क्वांटिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, सारी एडअप हो जाएगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें सारा आपको समझ में आ जाएगा कैसे है ये सब चीज। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर हम 1D बॉक्स की बात करें, 1D बॉक्स में हम अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या की है, एन की वैल्यू क्या ले ली, वन ले ली। किसके लिए लिया हमने, ग्राउंड स्टेट के लिए, ये बात क्लियर है। अभी देखो, आपका जो एन की वैल्यू है वो तो आपकी फिक्स हो चुकी है, अभी एन की वैल्यू हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। तो हमने क्या लिखा है, एन और एम इक्वल नहीं है, दैट मीन्स एन हमारा फिक्स है वन। ठीक है, तो एम हमारा क्या होगा, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, लेकिन वन वो नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हम लिखते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखिए, तो इसको लिखना सिखाती हूँ। डेल्टा ई वन, क्योंकि वन के लिए बोला है और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, समीशन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी देखो साई एम है, ये मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं, डेल्टा एच साई, ठीक है, इसका स्क्वायर है, इस तरीके से है। एन की वैल्यू हमने क्या कर ली, इसमें फिक्स कर ली, वन है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन, दैट मीन्स अभी ये एन की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो हमारी जो एन की वैल्यू है वो वन नहीं होगी, वो टू थ्री फोर फाइव कुछ भी होगी। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं इसको, टू। क्लियर है इतनी बार। अभी जो आपकी आएगी ई एन माइनस ई एम, वो क्या होगा, ये क्या, अब ये देखो, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप आसानी से ऐसे याद रखिए कि आपकी जो ये इसकी वैल्यू है वही सामने उसकी एनर्जी आएगी, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे आएगा उसकी जस्ट सामने उसकी एनर्जी आएगी, फिर होगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, जो सामने हमारा फंक्शन है उसके सामने हमारी उसकी एनर्जी हो जाएगी, इस टाइप से आपको करना होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका साई वन, अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहता है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, वन, क्योंकि यहाँ पे एन क्या है हमारा वन है, तो ये ई नॉट हो गया माइनस ई नॉट, यहाँ पे एन कितना है हमारा, टू लिया, तो ये हो जाएगा टू। ठीक है, अगर ऐसे नहीं याद रहता तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे फंक्शन हमारा वन है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ई वन माइनस यहाँ फंक्शन साई टू, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ई टू। ठीक है, इस टाइप से लिखना है आपको, ये हो गया। अभी प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद जो सेकंड टर्म हमारी होगी, देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया कि जो ये क्या है हमारा साई टू, आगे वाले वैल्यू होगी इसके साई थ्री, क्योंकि हमारा जो एन है यहाँ पे क्या है वो फिक्स है, तो
वो तो फिक्स है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एम ही है वो जो वेरी करेगा, यहाँ पे एक बार टू ले लिया, आगे जो होगा हमारा वो थ्री होगा, नॉट डेल्टा एच यहाँ पे जो होगा साई वन यहाँ पे टू, क्योंकि एन की वैल्यू मेरी फिक्स है। अगर इसकी एनर्जी जो लिखो आप, तो ये क्या आएगा, ये फंक्शन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नॉट माइनस इसके सामने वाली इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ई नॉट थ्री। वैसे आप इससे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लिख लेती हूँ सामने आमने सामने अगर दे रखी हो, प्लस अप टू सोन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एम की वैल्यू टू ली है, यहाँ पे थ्री ली है, आगे मैं फंक्शन लिखूंगी तो उसके लिए फोर हो जाएगी, उसके आगे फंक्शन लूंगी उसके लिए फाइव हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना होता है। और इस फंक्शन को कैसे आप सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा एच है, ये फंक्शन हमारा, तो इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, ये कहां से कहां तक है आपका, टू से वन। अब कभी भी आप वन से टू मत कर देना, जा कैसे रहा है ये, टू से वन है तो यहाँ पे टू से वन ही आएगा, और ये स्क्वेयरिंग है इसकी तो ये आ जाएगी स्क्वेयरिंग। ठीक है, इतनी बार ये क्या है आपका, ये एज इट इज आएगा ई वन नॉट माइनस ई टू नॉट का नॉट। ठीक है, यहाँ पे प्लस है आपका तो प्लस, यहाँ पे आपका डेल्टा एच, यहाँ से थ्री से वन है तो थ्री से वन तो इसका स्क्वेयर है, और यहाँ पे आपकी जो भी एनर्जी है ई वन नॉट माइनस ई थ्री नॉट। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा अप टू सोन। ये थे इसका, ये था सारा इसका कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे, ऐसे ही आपको आपकी जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा इस टाइप से। तो अभी क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले हम इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, द अनपरटर्ब्ड लेवल ऑफ अ सिस्टम आर ई नोट की जीरो, ई नोट की जो वैल्यू आपको दे रखी है जीरो, इसकी वैल्यू फोर दे रखी है, ई टू की वैल्यू सिक्स, ई थ्री की वैल्यू एट दे रखी है। उसके बाद आपको सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालना ही क्लियर है। उसके बाद इसके लिए निकालना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टर्बेशन फॉर विच आपको ये वैल्यू दे रखी है, जो यूज करनी है आपको। क्लियर है, जो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया था, जो आप निकलवाए थे यहाँ पे इतना सॉल्व करके, उसके बाद लास्ट में जो सिंपली वे में हम जो निकाला था और उन रिजल्ट्स को, तो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा ई एन, यहाँ पे एन लिखते थे, उसके बाद ये सेकंड ऑर्डर करेक्शन है, क्लियर है। अब एन की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर रखी है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एन की वैल्यू वो फिक्स हो चुकी है, वो कितनी है, एन इज इक्वल टू वन। कितनी है, एन इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे कितना लेंगे हम, एन इज इक्वल टू वन। क्लियर है, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद जो हमारी ये जो मैंने सिखाया था कि डेल्टा एच, ठीक है, डेल्टा एच सपोज यहाँ पे कितना है, टू वन आता, यहाँ पे स्क्वेयर ले लेते इसका, तो एनर्जी मैं सपोज बोल रही हूँ इसके, यहाँ पे ई वन लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ई टू। ठीक है, इस टाइप से था। और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एनर्जी जो थी हमारी एन इज इक्वल टू वन, वो तो हमने फिक्स कर ली। ठीक है, ये एन की वैल्यू क्योंकि वन हो नहीं सकती, टू थ्री फोर फाइव हो सकती है, तो इसको हमने टू वन लिख लिया। ठीक है, सिंपल वे में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे एनर्जी ई वन आ गई, यहाँ पे एनर्जी ई टू आ गई। ठीक है, तो आगे इसके हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम वेरी करवाएंगे तो थ्री और वन इसका स्क्वायर आ जाता, और एनर्जी कितनी आती है हमारी, ई वन माइनस ई थ्री। इस साइड से आना था। ठीक है, दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यूज है, हमें जो ये वाली वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हम इस वैल्यूज को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो किस टाइप से दे रखी है, जो डेल्टा एच होगा हमारा, ठीक है, एक दे रखी है जीरो वन, तो जीरो वन हो गया तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा। क्लियर है, उसकी वैल्यू हम यूज कर लेंगे यहाँ पे जीरो वन, तो एनर्जी कितनी आती है, ई वन माइनस, क्योंकि ई एन माइनस ई एन होती है, ई एन क्या है हमारा, फिक्स है वन है, यहाँ पे जीरो कितना आ गया, ई जीरो, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच उसके बाद दे रखा है आपको टू वन, उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद उसकी एनर्जी लिखेंगे ई एन माइनस ई एन, कितना है यहाँ पे टू, तो वो टू ले लेंगे। उसके बाद थर्ड दे रखा है आपको डेल्टा एच थ्री वन का स्क्वायर, ठीक है, थ्री वन का स्क्वायर, दैट मीन्स एनर्जी जो लेंगे यहाँ पे ई वन माइनस ई थ्री, इस साइड से लेंगे। तो ये क्लियर है, इतनी बार दैट ई तो हमें दे रखा था, तो हमने इसको सिंपल वे में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वो आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। अब आपको एनर्जी देखनी है कि ई वन की एनर्जी कितनी है आपकी यहाँ पे फोर, ठीक है, और ई नॉट की एनर्जी कितनी है आपकी जीरो। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे, पहले ये देखो आपको डेल्टा एच जीरो वन की एनर्जी कितनी दे रखी है, दैट मीन्स टू दे रखी है, और टू का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर, और ई वन कितना है आपका यहाँ पे फोर है, फोर में से जीरो माइनस करो क्योंकि ये कितना दे रखा है आपको फोर माइनस जीरो। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, और डेल्टा डेल्टा एच टू
वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर है तो इसका कितना, इसका स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। ई वन कितना है आपका, फोर है, और आपका ई टू कितना है यहाँ पे, सिक्स है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच थ्री वन का स्क्वायर है, मतलब जो आपका एट है, एट का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, ठीक है। ई वन कितना है आपका यहाँ पे, फोर, और ई थ्री कितना है यहाँ पे आपका, एट, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तो फोर ही आएगा, फोर में से माइनस सिक्स गया तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस टू, ठीक है, और यहाँ पे फोर में से माइनस एट गया तो यहाँ पे माइनस एट, ठीक है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है, बट यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा। ये क्या आएगा आपका, वन आएगा, इसको कैंसिल करोगे तो एट आएगा, ठीक है, इसको करोगे तो एट आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस 23 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका आंसर जो है सॉल्व करना होता है, बहुत इजी है। सेकंड ऑर्डर जो बटा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी है, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो, द अनकंटर्ड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आर, ई नॉट की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है, और ई वन की टू, और ई टू की आपको फोर दे रखी है। द सेकंड ऑर्डर करेक्शन आपको निकालना है ऑफ द एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ द पर्टर्बेशन वी, फॉर विच वी वन, देखो वी वन जीरो आपको टू दे रखा है, वी टू जीरो आपको फोर दे रखा है, और वी वन टू आपको सिक्स दे रखा है, हैज बीन फाउंड टू बी, ठीक है। अब क्या करना है इसको, तो देखो ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। अभी देखो आपको ऐसे तो नहीं बोला कि ये वन डी बॉक्स है, वन डी बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट, अगर ये बोलते तो हम क्या ले लेते, इसको एन इज इक्वल टू वन ले लेते, लेकिन इन्होंने सिंपल बोला हुआ है कि क्या है आपकी ग्राउंड स्टेट है, तो सिंपल ग्राउंड स्टेट के लिए हम क्या लेंगे, एन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वन डी बॉक्स बोलते हैं हमें, तो हम एन की वैल्यू क्या ले लेते हैं यहाँ पे, वन, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे क्या आएगी आपकी एन की वैल्यू जीरो आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड ऑर्डर जो पर्टर्बेशन, यहाँ पे एन लेते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट बोली हुई है तो वो तो फिक्स हो गया आपका, जीरो हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। अब आगे कैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि डेल्टा एच हम कैसे लिखते हैं, जो मैंने आपको देखना सिखाया था कैसे लिखते हैं उसमें, कि यहाँ पे लिखते हैं एम एन स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे एन माइनस ई एन, क्लियर है इसकी बात। उसके बाद फिर प्लस करते हैं, फिर उसके बाद एम एन लेते हैं, ठीक है, आगे कोई भी सब, ये वन है, ये आपका टू हो जाएगा, ये एम को तो एम तो आपका वेरी करेगा, बट एम है जो वो फिक्स ही रहता है आपका, ठीक है, एन हमने फिक्स कर लिया, जीरो है ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी आपका ई एन आएगी उसके एनर्जी, और उसके बाद जो एम टू की आपकी एनर्जी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ही तो करते हैं। तो इस पे मतलब जो ये दे रखा है हमें डेल्टा एच, जो हमें एम वन या फिर ये जो दे रखा है वो हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। अब ध्यान से देखो, जो हमें गिवन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी वन जीरो आपको टू दे रखा है, और वी टू जीरो आपको दे रखा है फोर, और वी वन टू आपको दे रखा है सिक्स। अभी ध्यान से देखो, जो आपको गिवन है, देखो वी वन जीरो दैट मीन्स जो हमें वैल्यू जिसके लिए हमें निकालना है, किसके लिए निकालना, ग्राउंड स्टेट के लिए, तो हमें ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी हमारी, जीरो है, ठीक है। तो जो हमें गिवन है उसमें देखो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, तो ये भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें देखो जीरो आ रहा है, जिसके लिए हमें निकालनी है, कम से कम वो तो वैल्यू होनी चाहिए ना, मतलब एन की वैल्यू तो इसमें है जीरो है, इसमें भी एन की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो जिसके लिए निकाल रहे हैं वो तो हमारा फिक्स ही होता है, जीरो है जीरो है, लेकिन इसमें देखो कोई ग्राउंड स्टेट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी टू ले रखी है इन्होंने, ठीक है, तो उसके लिए तो हमने कुछ भी नहीं निकालना, तो दैट मीन्स आपको ये वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करनी है। अगर आप ये वैल्यू कंसिडर कर लोगे और वो ऑप्शंस भी आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, तो वैसे आप क्वेश्चन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। तो ध्यान से देखना, आपको जो गिवन है तो उसको हम फिक्स करेंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स होगी, कितनी होगी, यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगी, दैट मीन्स जीरो जीरो आपकी दे रखी है, जो भी आपको गिवन है यहाँ पे वो जीरो दे रखी है, तो ये वाली हम कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ये एन की वैल्यू होती है, आपकी एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू यहाँ पे टू है, लेकिन हमने लेनी क्या है, जीरो लेनी है, तो दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी वैल्यू काम की नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे सिर्फ दो के लिए हम निकालेंगे इसमें, तो दो के लिए जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या लिख लेंगे, एम एन की जगह पे लिख लेंगे यहाँ पे वन जीरो, ठीक है, जो हमें गिवन है, और सेकंड के लिए लिख लेंगे हम टू और जीरो, क्लियर है इसके बाद। तो जीरो हमने फिक्स करके रखा था, वो जीरो आ गया, यहाँ पे एम की वैल्यू वन आ गई, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई। अगर जीरो की, अगर एम की वैल्यू यहाँ पे वन होती, तो यहाँ पे जो एम की वैल्यू हम टू से स्टार्ट करते, और यहाँ पे टू आती, यहाँ पे थ्री आती। अब एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो है,
ठीक है, फिक्स करते हैं हमने। तो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आपकी 1 आएगी और यहाँ पे 2 आ जाएगी, उस हिसाब से आपको लेना होता है। तो यहाँ पे कितनी आएगी आपकी 0 n की वैल्यू, फिर आपकी यहाँ पे n की वैल्यू आती है, n की वैल्यू आपकी 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 है आपका फिक्स है, यहाँ पे कितनी आ गई 2। क्लियर है इतनी बात? थर्ड हमें लेनी लेनी ही नहीं, क्योंकि जो हमें पूछा है वो तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम नहीं कंसिडर करेंगे इसमें। अभी देखो इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है वो कितनी है, 2 दे रखी है। जब इसका करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। अभी ए 0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0, ठीक है, और ई 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। क्लियर है? प्लस तो उसके बाद ये कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, और ई 0 आपको दे रखा है 0, माइनस ई 2 आपको दे रखा है 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा माइनस का, जब इसको करेंगे तो ये माइनस का क्या आएगा आपका, यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 यहाँ पे कितना आएगा आपका 4। ठीक है, 4 तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 6। यहाँ पे आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस 6। यहाँ पे जो भी आएगा यहाँ पे कितना होगा, माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 6 होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका माइनस 6। ठीक है, अगर आप ये वैल्यू जो कुछ आपको नहीं दे, जो आप ये जो ये वैल्यू अगर आप ये वैल्यू कंसिडर कर लेते हो तो आपका जो सवाल हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, और आप जो ऑप्शन आपका होगा वो दे रखा होगा उसमें। ठीक है, तो एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, वो ऑप्शन आपको बनाकर दे देते हैं उसमें। ठीक है, और क्या अगर आप इस वैल्यू कंसिडर कर लेते हो तो ऑप्शन भी वैसा आपको मिल जाएगा, आप क्या बच जाओगे वहां पे, नेगेटिव। समझ में आ गई इतनी बार? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आपका नेट में आ रखा है दिसंबर 2015 में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, तो देखिए इसमें अ सर्टेन टू लेवल सिस्टम हैज स्टेशनरी स्टेट एनर्जी E1 एंड E2। ठीक है, आपको एनर्जी दे रखी है E1 और E2, और E1 जो है वो लेस देन है E2 से विद नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ϕ1 एंड ϕ2। ठीक है, जो वेव फंक्शन आपको दिए है यहाँ पे ϕ1 ϕ2 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टर्बेशन V द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फॉर द फर्स्ट स्टेट ϕ1 विल बी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन हमें निकालनी है। किस स्टेट के लिए निकालनी है, हमें निकालनी है फर्स्ट स्टेट के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेट दैट मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है हमें 1 दे रखी है, तो जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन हम निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा ई एन, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन है और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, और यहाँ पे जो भी होता है हमारा साई एम होता है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एच होता है, और यहाँ पे साई एन होता है, और इसका होता है स्क्वेयर। ठीक है, और एनर्जी होती है हमारी ई एन और ई एम नॉट। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो n की वैल्यू वो हमारी फिक्स है, n इज इक्वल टू 1 है, तो एनर्जी भी यहाँ पे जो दे रखी है 1 और 2 ले रखी है। दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है 5 उसकी एनर्जी E1 है, और जो हमारा जो m है वो कितना दे रखा है हमें, 2। एनर्जी से पता लग रहा है तो उसकी एनर्जी भी कितनी हो गई, 2। दैट मीन्स m की वैल्यू यहाँ पे 1 है और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी, 2। समझ में आ गई इतनी बार? अगर इस फंक्शन में हम इसको पुट कर दें कि हमारा जो होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और देखो डेल्टा एच की जगह पे अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे वी ले रखा है, तो हम यहाँ पे वी भी ले लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे हमने वी ले लिया और एन की जगह पे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी हमारी ले लिया हमने यहाँ पे 1 ई नॉट माइनस ई 2 नॉट। क्लियर है, ये आता है हमारा एक्सप्रेशन पुट करने के बाद। अभी हम इसमें मैच करते हैं, तो देखो ये वाला जो ऑप्शन अगर फोर्थ की बात करें तो इसमें तो स्क्वेयरिंग आ रही है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग, यहाँ स्क्वेयरिंग तो चलती है, चलो ठीक है, बट यहाँ स्क्वेयरिंग नहीं आती है हमारी। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तो हमारा आराम से कैंसिल हो रहा है। अगर इसकी बात करूँ सेकंड वाले की, तो यहाँ पे जो हमारा होता है वो क्या होता है, ई एन माइनस ई एन ना आती है, ई एन माइनस ई एन। ठीक है, अगर ई एन माइनस ई एन करेंगे तो E1 माइनस E2 बनता है, तो यहाँ पे E2 माइनस E1 बन रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, देखो ये वाला क्या है, E1 माइनस E2 है, और E1 माइनस E2 इसके साथ मैच हो रहा है, E1 माइनस E2 यहाँ भी मैच हो रहा है। अगर ऊपर की बात करें तो ϕ1 है यहाँ पे ϕ2 है। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फंक्शन है आपके ϕ ले रखे हैं, तो यहाँ पे आप साई की जगह पे ϕ ले सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी
बात नहीं है, यहाँ पे आप फाइव ले लीजिए, ठीक है, फाइव सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे फाइव वन है, यहाँ पे फाइव टू है, यहाँ भी फाइव वन है, यहाँ पे फाइव टू है, यहाँ पे बट क्या है, यहाँ पे फाइव टू है, यहाँ पे फाइव वन है, दैट मीन्स नीचे वाला पोर्शन तो है इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है, बट ऊपर वाला पोर्शन है वो इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये अब सवाल नहीं, गलत सवाल गलत नहीं है। अब सवाल देखिए आप इसमें, अब यहाँ पे ये सिंपल है, लेकिन इसमें क्या आपका मोड लगा हुआ है, क्या लगा है, मोड, दैट मीन्स मोड का मतलब क्या होता है, अगर मोड के अंदर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं, इसको आगे ले आऊं, इसको पीछे ले जाऊं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता मोड के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो हमारी नेगेटिव क्वांटिटी रहती है, अगर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से रहती है ना, तो मोड के अंदर अगर हम इंटरचेंज भी कर दें, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो मोड के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके आगे मैं मोड लगा दूं, मोड, ठीक है, यहाँ पे लाऊं फाइव वन, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ले जाऊं फाइव टू, ठीक है, यहाँ पे मोड उसका कर दू स्क्वेयर, ठीक है, ई वन नॉट माइनस ई टू नॉट, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, मोड लगा दी, क्योंकि मोड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये वाला आंसर आपका, दैट मीन्स हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन था आपका नेट में आया हुआ है, तो हमारे यहाँ पे तीन क्वेश्चन मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था वो भी आपका आने के चांस है, तो ऐसा वाले क्वेश्चन भी आप कर लेना। फर्स्ट वाला सिंपल ही था, ये वाला आपका नेट में आया हुआ, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, तो सेकंड ऑर्डर का जो करेक्शन थी उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, और सारे हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं जो जो आपके आ सकते हैं, समझ में आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।